अपने दो दिवसीय दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर पहुंचने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गोरखपुर सोनौली मार्ग चिल्वा ताल पर बने महेश पुल का लोकार्पण किया, साथ ही मोहरीपुर सिहोरवा मार्ग का शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार विकास को लेकर कटिबद्ध है, विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि महेसरा पुल के बनने से इस मार्ग पर चलने वाले लोगों की काफी सुविधा होगी। उन्होंने इस मौके पर रोहिणी नदी पर बनने वाले पुल का भी लोकार्पण किया। पेश है गोरखपुर के संवाददाता अबरार अहमद की खास रिपोर्ट। विकास खंड और गोरखपुर नगर को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण मार्ग मोहरीपुर जंगल नंदलाल सिंह रामपुर चक शेरपुर चमराहा सिहोरवा संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम 3 से लेकर के 2017 तक जिस प्रकार की सरकारें थी विकास उनके एजेंडे में नहीं था, अपने स्वार्थों के लिए उन्होंने प्रदेश को पीछे धकेला, भ्रष्टाचार अकर्मण्यता और शासकीय धन में लूट खसोट का जीवंत उदाहरण रहा है। विधानसभा गोरखपुर नगर विधानसभा को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण सेतु तो है ही, नेपाल जोड़ने का जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानक का जो यह राजमार्ग है, नेपाल को महाराजगंज सिद्धार्थनगर बलरामपुर जाने का मुख्य मार्ग भी है। इसलिए आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं विशेष रूप से गोरखपुर महानगर पिपराइस विधानसभा क्षेत्र जंगलकोड़िया कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी नागरिक बंधुओं को भाइयों बहनों को इस सेतु के लोकार्पण के अवसर पर मैं अपनी बधाई देता हूं।